फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का शिल्पी ऑल इन वन चैनल में। आज मैं आप सबको सिखाऊंगी वो फॉल लगाना और पीको करना। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लास्ट तक देखिएगा आप वीडियो को, तब समझ में आएगा मैंने क्या कैसे सिखाया, आप सबको कैसे बताया, पीको मेरा कैसे लगा, आप सबको कैसे सीख पाए या क्या कैसे सब आप मैसेज में मुझे बताइएगा आप सबको कैसे लगा मेरा वीडियो। और ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। आज मैं आप सबको, जैसे कहीं शादी पार्टी में जाना होता है बाई चांस जल्दी साड़ी नहीं आई तो अगर हम लोग जो है फॉल और पीको नहीं कर पाते हैं तो फिर दुकान के पास जाके हम लोग को खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए आज मैं आप सबको सिखाऊंगी पतले से पीको कैसे किया जाता है, चाहे न्यू साड़ी हो, चाहे पुरानी साड़ी हो, चाहे डेली यूज हो, चाहे पार्टी वियर हो, आप खुद से अपने हाथों से ऐसे बहुत ऐसे ऐसे करके पुश करो, उसके बाद इसको ऐसे 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 करके आप इसको राउंड करेंगे, इसके बाद इसमें सुई लगाओ, तो ऐसे 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 घुमाना है बस, केवल ऐसे 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 घुमाइए, उसके बाद आप सीखिए कितना बढ़िया सा पीको बनता है। और नहीं कभी साड़ी देने की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे मोड़ते जाइए, ऐसे ऐसे जितना ही पतला चाहिए हो, जितना मोटा चाहिए हो, आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। मुझे तो पतला ही चाहिए क्योंकि इसको पतले से दिखता नहीं है मैंने कैसे क्या किया है। मैंने न्यू पार्टी वियर भी अपना खुद से बनाती हूँ, खुद ही फॉल लगाती हूँ, खुद ही पीको कर लेती हूँ, मुझे कभी देने की ज़रूरत नहीं होती है दुकान पे। और मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगी और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा तो मैं आपको फिर से जो है सिखाऊंगी मैंने कैसे किया, पुश करके मैं दिखाती हूँ आप सबको। मैंने देखो कितना बढ़िया सा पीको किया है, पुश करो, पुश करके दिखाओ इसको, ऐसे देखिए कितना अच्छा पीको मेरा हुआ है, कितनी अच्छी सी लग रही है। ये तुरपाई सब लोग करते थे पहले, तुरपन लगाते थे और उसमें जो है मोटा मोटा सा, फिर भी कितना भी पतला करो फिर भी दिखता था। जैसे हम लोग ये पीको कराते हैं सेम टू सेम वैसे ही पीको हमारा होता है। ये फर्स्ट जैसे मैं कर रही हूँ, सेकंड का भी होता है, इसके ऊपर से भी होता है, थोड़ा सा और वो हो जाता है कि जैसे जल्दी खुलने की, इससे खुलने की दिक्कत वैसे भी नहीं रहती है, चाहे एक राउंड में करिए चाहे इसको टू कर दीजिए। इस पर टू करने से जैसे पूरा पीको को हम लोग दुकान पे करवाते हैं सेम वैसे ही पीको का वो डिज़ाइन बन जाता है। अगर मैं सेकंड पार्ट से करती हूँ, सेकंड बार करूँगी तो, और फर्स्ट ही करके रखना है तो फर्स्ट भी ऐसे ही बहुत बढ़िया होता है। इसको लगाइए और करके देखिएगा तो मुझे बताइएगा आपने किया या फिर कर नहीं पाया तो मुझे बताइएगा तो मैं आपको फिर से इसको करके आप सबको दिखाऊंगी पीको, फिर मैं पुश करके आप सबको दिखाऊंगी, देखिए कितना बढ़िया सा पूरी साड़ी में हम लोग को फटाफट 15 मिनट की एक घंटे के अंदर हम लोग साड़ी का फॉल और पीको भी कर सकते हैं, अच्छे से अपने साड़ी को केयरिंग भी कर सकते हैं। बाहर जल्दी देने की ज़रूरत नहीं होती है, इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर में ही सारा सब काम करना ही हो रहा है। देखिए मैंने कैसे कंप्लीट किया अपनी साड़ी को, अभी दिखाते हैं पूरा, जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप सबको पूरा दिखाते हैं कि मैंने पूरे पीको कैसे कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ऐसे कर करके आप सबको धीरे धीरे करके दिखाऊँगी पूरी साड़ी का। एक मैं पल्लू में भी अपना खुद से कर लेती हूँ, चाहे मेरी कितने भी अच्छी साड़ी पार्टी वियर हो चाहे जो भी हो, अगर आप सीख जाएंगे तो खुद ब खुद आप खुद सोचेंगे मैं लाओ घर में ही कर लेती हूँ, कहीं जाना है जल्दी साड़ी नहीं आ पाई तो हम लोग उसको फिर से भी कर सकते हैं बैठ के। एक घंटे के अंदर रेडी किया, फट से पहन लिया, चले गए। सबको मैं आज रेडी करके साड़ी अपनी फट से पहन के दिखा सकती हूँ। ये साड़ी को मैं आज देखना, मैंने एक घंटे के अंदर में कैसे पूरा सब रेडी कर लिया, फट से पहन लिया और दिखा भी दिया आप सबको देखना। और आप सबको नहीं करने में आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से और अच्छे से आप सबको सिखाऊंगी। अगर आप सबको सीखना होगा तो, नहीं सीखना होगा तो भाई कोई बात नहीं है,
हर किसी को ज़रूरत पड़ती है सिलाई करने की, नहीं इसमें मशीन की ज़रूरत है, इसमें अपने हाथ का वर्क है, टाइम को अपने चलाते रहना है ऐसे ऐसे फटेफट। ये समझ में आ रहा तो आराम से दिखाएं आप सबको करके। आज मैं आप सबको साड़ी में फाल लगाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप सबको इतना इतना छोड़ना है आप सबको, उसके बाद यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया है, इतना मैंने लगाया इसको, फिर मैंने इसको इतना सा फोल्ड कर दिया इसके अंदर को, और जिससे क्लीन दिखे, और इतना मैंने यहाँ तक लगाया है। और मैं आगे दिखाती हूँ आप सबको कैसे मैंने लगाना शुरू किया। और ये देखिए मैं ऐसे बस बैठाती जाती हूँ, ऐसे पकड़ती जाती हूँ सुई को फटीफट ऐसे। ये देखिए देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही फॉल लगाया जाता है, सीखना है। और पहले मुझे भी नहीं आता था तो मैं कहीं इतने बड़े बड़े से लगा देती थी तो पूरी साड़ी का फॉल सारा खुल जाता था। कभी कभार मैंने स्टार्टिंग में कभी कभार उल्टी साड़ियों में लगा दिया है, कई बार मुझे साड़ियाँ खोलनी पड़ती थी। अब तो मैं 15 से 20 मिनट के अंदर फटेफट मैं फॉल को लगा के फिट करके पहन लेती हूँ। कहीं जाना आना हुआ, नई साड़ी पहनने का मन कर रहा है मैंने, या फिर कहीं जाना है तो साड़ी मैंने लेट लाई तो फिर फट से बना सकती हूँ, पहन भी सकती हूँ। ब्लाउज तो का कोई कॉम्बिनेशन आजकल तो साड़ियों में रहता ही नहीं है, फट से लगाओ पहन लो। और अपनी शादी हो या पार्टी हो, कहीं भी जाना हो, नहीं तो 4 जगह दुकान पे लेके जाओ, फिर उसके बाद इंतज़ार करो तो फिर कहीं लगा के, कहीं कहेंगे लगाना नहीं है, कोई मेरे स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, करते हैं उसके बाद कहीं लगा के देते हैं। और तब तक इनका इंतज़ार करो। देखिए फटेफट मैं लगा के अभी फाल लगा के साड़ी पहन के भी मैं दिखाऊँगी आप सबको। मैंने रेडी भी कर लिया अपनी साड़ी को, अभी मैं अभी पीछे से जब मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, सबसे पहले लगाना भी है तो ऊपर की तरफ जहां मैं लगा रही हूं फर्स्ट शुरुआत में, उसमें आप सबको डबल धागे को लेना है, और नीचे की तरफ जब लगाना है तो उसके बाद आप सबको सिंगल धागे का यूज करना है। उससे ये रहेगा कि जो है पतला सा रहेगा, वो सही से दिखेगा भी, अच्छा भी लगेगा, लुक अच्छा आएगा उसका। नहीं तो मोटा मोटा सा रहेगा तो धागा मोटा मोटा सा फॉल में दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पूरा साड़ी का फॉल दिखाऊंगी तो आप थक जाएंगे देखते देखते। चलो ठीक है, ये मैं थाली लगा के इसको सेट करके बना रही हूँ, इसको ऐसे करना है फिर ऐसे फिर ऐसे फिर इसको ऐसे 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 बनाना है आप सबको। इस पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है, नहीं झोल से झोल भी आ जाएगा अगर सही नहीं बनाएंगे आप सब तो, इसमें झोल भी आ सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है, उसको तो आप जैसे एक दूसरे में बना के बनाते चले जाओ तो बन भी जाता है, ये झोल नहीं आना चाहिए साड़ियों में। इसको ऐसे ही इसे फोल्ड करना है, इसको बराबर से ले जाना है। ये देखिए आप सबको इस पे झोल पे ध्यान देना है कि झोल ना आए, झोल नहीं आना चाहिए आप सबको। क्लियर दिख रहा है आप सबको? और देखिए इसको बारीकी से इसको सेट करते जाओ सेट करते जाओ। इधर मैंने सिंगल धागा लिया है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मैंने डबल धागा लिया है। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा आप सबको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कैसे कंप्लीट किया, इसको ऐसे सेटिंग करते जाना, नहीं तो
आपका ये फॉल झोल आ जाएगा, झोल नहीं आना चाहिए, झोल आ जाएगा तो फिर से खोलना पड़ेगा, फिर से सिलना पड़ेगा, डबल काम करना पड़ जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से इसको काम करना होता है। और सीख जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लगेगा हलवा जैसे बनाते हैं फटाफट वैसे बन जाता है ये भी। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देके काम करना है आप सबको। चलिए ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं।